स्वागत है मेरे चैनल हिना सौरभ गुप्ता में। और फिलहाल आज मैं नहाई नहीं हूँ, इतना लेट हो चुका है, पता है 2:30 बज रहे हैं दोपहर के, और मैं नहाई भी नहीं हूँ क्योंकि आज से सुलाने में मुझे किसी नींद आ रही थी ना, तो मैंने सोचा पहले सुला देती हूँ। और उससे पहले जब मैं नहाने जा रही थी तो फिर मुझे रनर इसने पॉटी कर ली थी आज रनर पे, तो मुझे वो रनर वॉश करना पड़ा। एंड फिर मैं सोचा डोरमेट भी वॉश कर देते हैं। इसके कुछ वुलन्स कपड़े थे जो हैंड वॉश थे वो वॉश किए, तो मतलब आज बहुत ज्यादा लेट हो गया मुझे सारे कामों से। फिर मैं उसके पापा आ गए तो मैंने सोचा चलो खाना खिला देते हैं, बाद में नहाएंगे। सुंदरकांड में भी जाना है, दीदी है हमारी शिविका दीदी, उनके घर सुंदरकांड है तो वहां भी जाना है। भी मैं सोच रही हूँ आज जाना है तो चलो फेस पैक वगैरह लगा लेते हैं। मैं सोचा चलो आज फेस पैक वगैरह लगाते हैं क्योंकि फिर जाना है, तो हेयर वॉश भी करने हैं। देखो मैं अपनी अलमारी दिखाऊँ कैसी हो रही है, मेरी पूरी बिखरी हुई हो रही है प्रोडक्ट वाली अलमारी ना, सब कुछ देखना गाइस कैसी अस्त व्यस्त मेरी अलमीरा हो रही है प्रोडक्ट। पता है इसमें क्या है ना, ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट चाहिए होता है ना कोई भी कहीं से भी उठा लेता है तो सब बिगड़ जाता है, ऐसी हो जाता है। तो ये पूरी ऐसी बिगड़ी पड़ी है, तो फिलहाल मैं लगाती हूँ मेरा सबसे इजी वाला है ये ही अपना ऑर्गा ट्री का उपटन फेस मास्क, सबसे बढ़िया है एकदम, हमेशा मैं बताती हूँ मुझे ये ही सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है कहीं जाना हो गाइज तो। आज मैं ऑर्गा ट्री के इतने प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ जिसमें कि ये उपटन फेस मास्क मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है, लोशन अभी नहाने के बाद यूज होगा, हेयर ग्रोथ सीरम भी यूज होगा क्योंकि आज मैं हेयर वॉश करने वाली हूँ, बाकी कंडीशनर शैम्पू एंड फेस वॉश। तो ये प्रोडक्ट वही है जो मैं डेली यूज करती हूँ, ये केवल मैं डेली इसलिए दिखा रही हूँ ब्लॉग में ताकि आप लोग को इजी रहे, जो न्यू व्यूवर्स होते हैं कि वो पूछते हैं फिर कौन से प्रोडक्ट, तो वो यही प्रोडक्ट है जो मैं यूज कर रही हूँ। तो फिलहाल अभी मैंने फेस मास्क अप्लाई कर लिया है, अभी थोड़ी देर में इसे वॉश करने के बाद ओके लाइट भी आ गई, तो फिलहाल मैं जा रही हूँ नहाने और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइज जैसे मैं नहाकर आई ना इतनी देर में अविवेक उठ गया, और अविवेक चिड़चिड़ा रहा है क्योंकि एक अच्छी नींद से उठ गया। मैं उसके पास लेटी रहती हूँ ना तो ये सोता रहता है, पर आज मैं नहाने चली गई तो सोता वो छोड़ के इधर रो रहा है। क्या हुआ ओली ओली, क्या हुआ, क्या हुआ था, कहाँ जाएगा, क्या खाने जाएगा पापा के साथ, नहीं जाएगा, क्यों गुस्सा आ रही है, कैस पे आ रही है गुस्सा, नींद आ रही है, बताओ नींद आ रही है, सुला दो। सोऊंगा नहीं, और मैं कह रही हूँ चलो नीचे छोड़ के आऊं तो नीचे भी नहीं जाना, कानबुआ के पास जाना है कानबुआ के पास चले जाओ, मम्मा सीरम लगा ले। अच्छा मैं हेयर सीरम लगा लो। लगा लूं, ओ मेरा बेटा, लगा लेती हूँ ये लगा लो क्योंकि फिर वो गए तो बाल गीले हैं तो अभी लग जाएगा तो सही है, वरना फिर वही सूखे बालों में ज्यादा सही से लगता नहीं है। इतना सा लेती हूँ मैं, देख सकते हो इतना, और ये काफी रहता है। हेयर ग्रोथ सीरम है हमारा, इसकी फ्रेग्रेंस इतनी प्यारी लगती है ना मुझे, सबसे ज्यादा इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है। अभी आप भी लगाओगे, आप भी लगाओगे अभी वो? नहीं लगाओगे पक्का है? नहीं लगाओगे क्यों? गाइज रेडी होना स्टार्ट करते हैं, मैंने बताया था ना कि हमें जाना है दीदी के घर सुंदरकांड है तो वहीं जा रहे हैं। और मैं वेट कर रही थी बहुत टाइम से कि रेड साड़ी है, मुझे बहुत मन था कि मैं किसी पूजा के काम में पहनूं, और वो फाइनली आज सुंदरकांड में जाना है तो मैंने सोचा यही वाली साड़ी वेयर करते हैं। आप लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आई थी ये साड़ी, तो आज मैं यही रेड साड़ी जिसका फ्रिल का ब्लाउज है, फ्रिल वाला ब्लाउज है, वही साड़ी वेयर कर रही हूँ। नेल पेंट अनमैच लगाई है, बट मेरा मन कर रहा था ये कलर लगाने का तो मैंने लगा लिया। तो फिलहाल अभी जल्दी से रेडी होते हैं, उसके बाद मैं अभी तो बहुत बेकार लग रही हूँगी है ना, तो अभी फिलहाल रेडी होते हैं उसके बाद आपको फुल लुक दिखाते जल्दी हैं। में रेडी होना पड़ा मुझे कि बस ऊबड़ खाबड़ रेडी हो गई, आ गई आ गई, अभी भी नीचे सही लगा, बस हो गई, कुंडल पहन लू, इयर रिंग्स सही साड़ी कैसी लग रही है। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि जब से ये आई है, मतलब ये लाइट आ रही है, नली लाइट बंद करिए, अच्छी लग रही है। हाँ निकल गए, इन्हें बहुत जल्दी हो रही थी ना, इतना ना जरा ऑफिस जाना है इसलिए बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे, तो बस चलते हैं। और देखो मैंने रॉकी के लिए ना यहाँ पे चद्दर डाल दिया, अभी आराम से सोता है हमारा रॉकी यहाँ पे। ये अभियुक्त ने इससे इतना अटैचमेंट करवा दिया ना बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा दोस्त है।
और यही हाथ हमारी सीता माता कर रहे हैं। तो उनके हाथ में क्या है वो नहीं कहा, और अपने राक्षसों से कहने लगे जाओ अपने घर से क्या ले आओ। और कोई किसको लगानी है वो जल्दी लगाए, भाभी जल्दी से लगा दे, समय बहुत हो चुका है। घनश्याम गुप्ता से ये बाबू को उठाने में लगे हुए हैं क्या, वो क्यों सोने नहीं दे रहे बाबू को? बाबू जाएगा, बाबू खेल रहा। दीदी के संग खेल लो, दीदी उठी हुई हैं, सेम लग रहे हैं वैसे ही दोनों। अरे वाह व्यू, ये कितना बड़ा टैडी है। बाबू टैडी आपसे भी बड़ा है ये वाला, ये टैडी आपसे भी बड़ा है बेटा, इसे खड़ा करो टैडी को, देखो इससे भी बड़ा बैठेगा। हो गई एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, कट गई केक। ये क्या कई बातें बना रहा है, कौन कौन सी बातें बननी है तुम्हारी है? अभी क्या कर रहा, बस बोलती बंद हो गई। अरे भैया अभी 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 पानी, अभी पापा को डराना। अब गाइस को डरा दे, डर जाओ सब, डर जाओ, देखो सब डर जाओ। अभी तो बहुत ज्यादा डरावना हो रहा है हमारा इस टाइम। देखो इसकी नौटंकी मुस्कान की चप्पल पहन के आ रहा है ऊपर से, पगला ये लड़का, इनके जूते हाथ में ही ना के। जिद इतनी है, बहुत ज्यादा जिद, रो रहा है वरना बहुत ज्यादा दहाड़े मार मार के। मुस्कान तू अभी उसके पहले जूते अदला बदली करो। देख तो लो इसकी लड़के की। तो गाइस आ गए थे घर, अभी घर आए, उससे पहले हम लोग मतलब सीधे ना वहां से पापा को देखने के लिए बुद्धि बिहार चले गए थे, क्योंकि सुबह से पापा की ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी, बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, तो बस पापा को देखने चली गई थी। सुबह पापा से बात हुई थी तो पापा बोल रहे थे कि बहुत तबीयत खराब हो रही है, तो मैंने सोचा देखते हुए आते हैं, क्योंकि पापा के घर के पास में ही गए थे हम लोग, दीदी की एनिवर्सरी थी तो वहाँ पे सुंदरकांड वगैरह था तो वहीं गए थे, आपने पीछे देख ही लिया था।
और अब मैंने सोचा आप लोग इतने दिन से जो एक क्वेश्चन पूछ रहे हो डेली मुझसे, रोज ही एक क्वेश्चन मेरे पास आता जरूर है, कोई ना कोई पूछता जरूर है आप लोगों में से कि दीदी ये आपका जो पेट है इतना ज्यादा क्यों, आप फिर से प्रेग्नेंट हो क्या, या आपको क्या दिक्कत हुई थी जो आप डॉक्टर के इतने चक्कर लग रहे हैं। तो रोज एक ना एक क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है। मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाती हूँ ना, तो वहां पे भी केवल एक ही ढेर लग जाता है कि दीदी आप प्रेग्नेंट हो, दीदी आप प्रेग्नेंट हो। तो मैंने सोचा चलो आज इसी ब्लॉग में रिवेल कर देती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, या क्यों इतना ज्यादा मेरा ये जो टमी है वो बाहर आ रहा है, ये जो भी है मैंने सोचा सब कुछ दी बता देती हूँ आज इसी ब्लॉग में, तो क्लियर करती हूँ मैं। तो फिलहाल अभी आपने देखा था जो मेरा ब्लॉग आया था कि मैं वो दिखाया था एपेक्स में मैंने, तो वहां पे ऐसा हुआ था मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी एपेक्स, क्योंकि मेरे संग बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, मैं रात रात में सो भी नहीं पा रही थी, इतनी ज्यादा मुझे दिक्कत हो रही थी। तो उसके बाद में मैंने मेडिसिन्स ली थी, दिक्कत क्या हुई थी अभी बताऊंगी। तो मैंने मेडिसिन्स ली थी तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिला, बट जब तक मैं मेडिसिन कंटिन्यू कर रही थी बस तब तक था, फिर मैंने मेडिसिन रोक दी तो मुझे कल फिर से एकदम डॉक्टर के जाना पड़ा, जबकि 7 डेज तक वैलिड होता है जो वहां का डॉक्टर का पर्चा होता है। तो 7 डेज से कम 10 से 15 डेज हो गए थे मतलब डॉक्टर को दिखाए हुए, एंड फिर मेरी एकदम कल तबीयत ज्यादा बिगड़ी, तो कल फिर मुझे पतिदेव दोबारा डॉक्टर किया तो कल दिखाया। तो मैंने सोचा चलो अब बता देते हैं आपको, तो ये है मेरा अल्ट्रासाउंड जो हुआ था उस टाइम पे, ये है अल्ट्रासाउंड जो उस टाइम पे मेरा हुआ था। तो इसमें क्या दिक्कत आई थी मैं बताती हूँ। तो सबसे पहली बात तो कि ये कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ अभी, अवयुक्त बहुत छोटा है आप लोग है, तो अभी सेकंड बेबी के बारे में हमने कुछ भी नहीं सोचा है। और मैंने पहले भी इस पे एक ब्लॉग लाया था, आप लोग पीछे पड़ जाते हो कि दीदी आप प्रेग्नेंट हो, तो वो टमी का जो रीजन है मैं बता देती हूँ। उसका रीजन ये है कि मेरी जो वो होती है ना आंतें होती हैं, वो थोड़ी सी उनमें स्वेलिंग आ गई थी उस वजह से, और मुझे थोड़ा गैस का इशू रहने लगा है जब से अवयुक्त हुआ है, तो उसकी वजह से मेरा जो टमी है वो थोड़ा स्वेलिंग है उसमें, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा लगता है। सब मुझे टोकते हैं मैं जानती हूँ, पता है मैं कहीं पर भी जाती हूँ सब मुझसे यही पूछते हैं कि अरे प्रेग्नेंट हो क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, और अभी इस बारे में हमने सोचा भी नहीं है। अवयुक्त अभी इतना छोटा सा है, अभी वो 2 साल का हुआ है अगस्त में, अभी पूरा कंप्लीट वो 2.5 साल का भी नहीं हुआ है, तो अभी हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। तो सबसे पहले तो मैंने ये क्लियर कर दिया कि मैं अभी कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ। आप लोग डेली मेरे पता है अगर मैं इंस्टा पे कोई भी स्टोरी लगाती हूँ ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन ना उसमें एक दो यही होते हैं कि दीदी आप प्रेग्नेंट हो, आप बता क्यों नहीं रही हो, छुपा क्यों रही हो। तो मैं नहीं छुपा रही भाई, मैं नहीं छुपा रही, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो इसने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। तो मैं आप लोगों से नहीं छुपाती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आप लोग कभी कभी ऐसे कर देते हो ना कि बहुत ज्यादा मतलब हर्ट भी करते हैं कभी कभी, और बहुत ज्यादा किसी किसी क्वेश्चन पे हंसी भी आती है। अभी बीच में एक क्वेश्चन को लेके आप लोगों ने इतनी रेड पीटी ना मेरी बहुत ज्यादा, देखूंगी आगे उस पर भी ब्लॉग लाना है या नहीं फिलहाल, लेकिन हाँ कभी कभी बहुत ज्यादा हर्ट कर देते हैं इतने एक क्वेश्चन के पीछे पड़ जाते हो। अगर मैं नहीं रिप्लाई दे रही हूँ तो समझ जाओ यार कोई रीजन होगा। तो अब ये प्रेगनेंसी वाला जब ऐसा कुछ नहीं था तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे इस टॉपिक पे ब्लॉग बनाना चाहिए, तो मैंने नहीं ध्यान दिया। हाँ तबीयत खराब चल रही थी तो उसका मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो यही प्रॉब्लम थी कि मेरे जो पेट में स्वेलिंग आ गई है उस वजह से जो मेरा टमी है वो इतना ज्यादा, आप लोगों को लगता है कि आप लोग सोचते हो मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ, अपने भी मॉर्निंग की मेडिसिन भी चल रही है लेकिन उससे कुछ नहीं हो रहा है। तो अब हमने फिर से दिखाया है डॉक्टर को, तो अब थोड़ी मेडिसिन चेंज हुई है, देखते हैं क्या फर्क रहता है। पता है मैं अब आप लोग देखते होंगे मैं बाहर खाती भी नहीं हूँ कुछ, मेरा सब कुछ खाना पीना बंद है, मतलब लाइक अ फास्ट फूड तो बिल्कुल बंद है। मैं हाँ खाना वाना खा ले रही हूँ, जैसे वंशी के बर्थडे में गए थे तो उसमें मैंने बस केवल वही पनीर और रोटी खाई थी, बाकी मेरा सब कुछ बाहर के मोमोज, पता नहीं बाहर के मोमोज वोमोज मतलब सब चाउमीन अटरम सटरम मेरा सब कुछ बंद है, सब कुछ डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया। अब मैं पता है घर पे भी केवल दलिया खाती हूँ या खिचड़ी खाती हूँ, ये सब खाती हूँ, मैं कुछ खाना सही से खाती भी नहीं हूँ, केवल इसीलिए क्योंकि मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब चल रही है। तो क्लियर हो गया मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो जब मैंने बोला था ना गाइस कि मैं अल्ट्रासाउंड कराने जा रही हूँ, तब भी मेरे पास यही मैसेज आए थे कि दीदी खुशखबरी है क्या जो आप अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हो। तो नहीं भाई मेरे संग दिक्कत है, मेरी तबीयत खराब चल रही है उस चीज का अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, और मैं बहुत डांट भी खाती हूँ अपने घर पे पता है इस चक्कर में, क्योंकि मैं बीच में ना बाहर का इतना फास्ट फूड खा रही थी, मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मैं बहुत फास्ट फूड खा रही थी, बट लेकिन अभी फिलहाल मेरा अवयुक्त आ गया, यही खुद बहुत नन्ना मुन्ना सा बालक है, तो और क्या ही हम सोच सकते हैं। है मुस्कान दीदी भाभी प्रेग्नेंट है मम्मा? नहीं तो हाँ।
इतने कमेंट आते हैं, पता है पतिदेव भी अगर फेसबुक पे कोई रील डालते हैं ना तो आप लोग यही पूछते हो गाइस फिलहाल आज मैं कैसी लग रही थी, कमेंट्स करके बता देना ये साड़ी मेरे पे कैसी लग रही है और किस किसने ये साड़ी ऑर्डर करी है वो भी बता देना। तो अभी बहुत रो रहा है, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट। बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, क्यों भोलेनाथ दे दो, कह रहे बहुत रो रहा है, भोलेनाथ दे दो, गाइस को बता दो गाइस से क्या बहुत रो रहा है भाई, अभी सुन गाइस देंगे, भोलेनाथ गाइस के पास है, गाइस से ले ले, बता दे गाइस को, कह रहे बहुत दे दो प्लीज, कह दे क्या, तो दे दो प्लीज, कह दे है गाइस पे बहुत सारे ब्यूटी ब्लेंडर है, बहुत सारे हैं गाइस पे, मांग ले गाइस से, मांग ले गाइस से ले ले, अगर सब तुझे एक एक भी देंगे ना तो सबके पास बहुत सारे होंगे, बोल दे क्या दे दो, दे दो फोन में से आ जाएगा, जल्दी से बोल दे क्या गाइस दे दो, ऐसे कह दे, दे दो क्या प्लीज, नहीं है गाइस भी नहीं है। तो गाइस ब्लॉग एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।